जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्पर्स में बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच कैसे बदली कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स की मुझसे डिमांड थी कि एक ऐसा वीडियो बनाएं कि स्पर्स पोर्टल पर हम अपना बैंक अकाउंट नंबर या फिर ब्रांच बदली कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो के साथ जो है यह वीडियो लेकर के आया हूं कि आपने किस प्रकार से स्पर्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच बदली करना है और क्या यह सब करने से आपकी पेंशन रुक सकती है। दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस वीडियो में सारी चीजें कवर की गई हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव है। आपको यह जरूरत है या नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए यह वीडियो पूरा जरूर देख लेना। और आपको वीडियो में यह भी हिदायत देना चाहूंगा कि जिनकी जरूरत है वो तो इस काम को करें, लेकिन जिनकी जरूरत नहीं है कृपया करके टेस्टिंग पर्पज के लिए इस प्रकार से जो है बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच को बदली ना करें। अच्छा, एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक पेंशनर को स्पर्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर या फिर ब्रांच बदली करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इसके कारण क्या है? बैंक चेंज। जी हां दोस्तों, कई बार जो है कई कारणों से जो पेंशनर होते हैं वो बैंक चेंज कर देते हैं। कोई SBI से PNB में कर देता है, कोई PNB से SBI में कर देता है, या फिर किसी अदर बैंक से SBI में कर देते हैं, PNB में कर देते हैं। तो कारण कई हैं। हो सकता है जो उनको वहां पर अच्छी फैसिलिटी मिल रही हो, या फिर जो है वहां पर उनको अच्छी सर्विस मिल रही हो, या फिर वहां उनके घर के नजदीक हो। तो कई कारण है, इसका कोई मैं स्पेसिफिक कारण नहीं बताना चाहूंगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है अपना बैंक जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा क्या होता है, ब्रांच चेंज। कोई ब्रांच चेंज कर देते हैं, जैसा कि कोई अभी यूपी में है कहीं पर, वो दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो ब्रांच वहां पे उनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और दिल्ली में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में उस खाते को ट्रांसफर कर दिया है। अब इससे क्या होता है, IFSC कोड चेंज हो जाता है। तो ऐसे में भी जो है स्पर्स में इसे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। और तीसरे में जो है क्या है कि बैंक अकाउंट नंबर चेंज। हाँ जी हाँ दोस्तों, कोई कोई क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट में कोई नया अकाउंट खोल लेते हैं उसी बैंक में और उसको अपना पेंशन अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में भी पेंशन अकाउंट चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और अगला दोस्तों, इसके अलावा जो है कई कारण हो सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के आपके मुझे कमेंट भी आए थे कि इस बैंक में इनका अकाउंट है, अब जो है ये SBI में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, और इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो है IFSC कोड स्पर्स से चेंज करने पर पेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि इनका जो अकाउंट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब जो है, और इसके साथ ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हमको इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड में या फिर जो है रिकॉर्ड में भी इसको इंटीमेट करना पड़ेगा, वहां पे खबर देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मेरी इनका पेंशन किसी अन्य बैंक में आती है, पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, और ये देखिए इनका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, MP से जो है UP स्टेट में करना चाह रहे हैं। तो इनमें जो है ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे में इनकी पेंशन में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन जब भी आपको अपना अकाउंट बदली करना है, ट्रांसफर करना है स्पर्स में, तो इसमें क्या क्या कार्रवाइयां हैं देखिए। अच्छा, इसको सीक्वेंस से बता देता हूं। सबसे पहले यदि आप जो है किसी एक बैंक में है, आपका सपोज जो है SBI में है, आप PNB में करना चाह रहे हैं, या PNB में है SBI में करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है जिसमें भी अपना पेंशन वाला अकाउंट करना चाह रहे हैं आप, उस बैंक में सबसे पहले आप अपना खाता, नया खाता खोलें, ठीक है। और वो पेंशन में नहीं खुलेगा, शुरू में आपको बता दूं, वो जनरल अकाउंट में आपको खुलेगा। तो सबसे पहले आपने इसको खोल देना है, या फिर जो है आप अपना अकाउंट जो है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों को कामों को आपने सबसे पहले कर लेना है। खोल दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका अकाउंट जैसे ही खुलता है आपने नई चेकबुक के लिए अप्लाई कर देना है। आपका अकाउंट खुल गया या फिर नई ब्रांच में ट्रांसफर हो गया, तो वहां पे आपने नई चेकबुक के लिए अप्लाई करना है। आपको जो है तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जो है उसकी चेकबुक मिल जाएगी, और उस चेकबुक में क्या होगा दोस्तों, आपका अकाउंट नंबर होगा, नया IFSC कोड होगा, ठीक है, आपका नाम रहेगा उसमें, ये चीजें उसमें अपडेट रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तीसरी कार्रवाई, आपने जो है स्पर्स पोर्टल पर जो है अकाउंट नंबर और IFSC को चेंज करना है, सी डेमो। इसका मैं पूरा डेमो दिखाऊंगा आपको, आपने आगे वीडियो में देखना है। अब चौथी चीज में जो है कि क्या ये सब चीज करने से आपकी पेंशन रुक सकती है, ठीक है, ये जैसे कि आपकी तरफ से सवाल आया मेरे पास, और कहीं और भी सूचित करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड में या जिला सैनिक बोर्ड में कहीं सूचित करना पड़ेगा, इसके बारे में भी वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो के आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी कार्रवाइयां करने के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए जो है लाल पेन से यहां पर लिखा हुआ है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छा, सबसे पहले जो आपको चेकबुक मिली है,
जो कि आपने अपना पेंशन अकाउंट बनाना है नया वाला, तो उसको आपने क्या करना है इस प्रकार से जो है क्रॉस करके यहां पर कैंसिल्ड लिख देना है, ठीक है। इसमें साइन मारने की आपकी जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपका चेक है, एक चेक का लीफ है, उसमें यह इस प्रकार से देख रहे हैं आईएफएससी कोड प्रॉपर यहां पर दिखाई देना चाहिए। नंबर दूसरा, आपका यह अकाउंट नंबर इसमें डिस्प्ले होना चाहिए, और होते भी हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि नए बैंक में जहां पर भी नया खाता खोल रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर का चेक आपने लेना है उसमें ये चीजें मेंशन रहती है। एक तो आईएफएससी रहेगा, आपका अकाउंट नंबर रहेगा, और तीसरा जो है आपका यहाँ पर नाम भी रहेगा। तो आपने आपने जो है इसको फोटो खींच के पीडीएफ में या इमेज में जो है जेपीजी में आप इसको सेव करके पहले रख लेना। उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, आपने स्पर्श पोर्टल पर इस प्रकार से लॉग इन कर देना है। आपने लॉग इन कर लिया, ये तीन लाइनें देख रहे हैं, और देखिए दोस्तों कुछ बोल रहे थे कि आप कंप्यूटर में बताते हैं, हमारे पास तो है नहीं। देखिए ये सारी चीजें आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, स्पर्श पोर्टल मोबाइल पर भी खुलता है, ठीक है। तो आपने तीन लाइन में टच किया, आप नीचे आएंगे दोस्तों, यहां पर आप क्या देखेंगे, माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल को दोस्तों जब आप टच करते हैं तो कुछ इसमें ऑप्शन आते हैं, देखिए अपडेट पर्सनल डिटेल, चेंज पासवर्ड, मैनेज प्रोफाइल। तो आपने किस में जाना है, अभी मैनेज प्रोफाइल में। आपने मैनेज प्रोफाइल को जैसे ही क्लिक किया था, थोड़ा देखिए टाइम भी ले लेता है इसमें, वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए ये सारी डिटेलें यहां पर आ गई हैं। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि मैनेज प्रोफाइल में जाकर के कई सर्विसेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, अदर डिटेल, नॉमिनी डिटेल, डॉक्यूमेंट्स। आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको अभी बैंक वाला काम करना, तो आपको सीधा बैंक डिटेल में आ जाना है। आ गए बैंक डिटेल, देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर जो है आपकी बैंक डिटेल इस प्रकार की आ जाएगी। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आईएफएससी कोड है, यहाँ पे बैंक का नाम है, और यहाँ पे ब्रांच का नाम है, ठीक है, ओके। अब आपने जो है इसको चेंज करना है कि भाई मुझे ये वाला तो रखना ही नहीं, अब जो है चेंज करना है, तो यहाँ पे एक पेन मार्क होगा। इस पेन को जब आप मार्क करेंगे, तो यहाँ पर जब आप टिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जाकर के जो है आप अपना अकाउंट नंबर इस प्रकार से इसको काट दीजिए, और नया अकाउंट नंबर इस प्रकार से आपने जो है अपना नया वाला अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, ओके। इसके बाद इसी प्रकार से आईएफएससी कोड, जो आपका आईएफएससी कोड है नए बैंक का, तो यहीं पेन में आपने क्लिक करना जो पेंसिल मार्क है, और यहां पर जो है आपने आईएफएससी इसका, ठीक है, चेंज कर देना है जो भी है। आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी डाल देते हैं दोस्तों, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा यहां पर, आईएफएससी से उठा लेता है, बैंक का नाम भी आ जाएगा यहां पर, और आपकी ब्रांच का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट करोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट करोगे, और फाइनली आप यहां पर देख रहे हैं कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। और आप यहां पर देख भी रहे हैं, आप उसको जेपीजी में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, और कैसे भी कर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है आप यहां पर देखिए, पेंशनर बैंक अकाउंट नंबर चेंज किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसलिए जो है इसने दिखाया है कि आप अपने पेंशन का बैंक अकाउंट नंबर चेंज कर रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या मांग रहा है, बैंक कैंसिलेशन चेक, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने उसका जेपीजी या पीडीएफ बना करके रख लेना। दूसरा, पेंशनर बैंक आईएफएससी कोड, अब इसके लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है, बैंक कैंसिलेशन चेक, तो आपने इसको टिक मार देना है दोनों को। अब जैसे आप टिक मारोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको चूज फाइल। अब आप जैसे ही चूज फाइल करते हो दोस्तों, तो जो आपने पीडीएफ बनाया हुआ है या जेपीजी बनाया हुआ है उसका, ठीक है, तो आपने जो पीडीएफ बनाया है या जेपीजी बनाया है, जो भी बनाया है आपने, इस प्रकार से जो है क्या कर देना है, आपने वहां पर अपलोड कर देना है। और इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पर से इसे सबमिट कर दोगे। जैसे इसको सबमिट करेंगे, मैं तो नहीं कर रहा हूं दोस्तों चेंज, लेकिन इसके बाद कार्रवाई यही है कि आप इसको सबमिट कर दोगे, आपको एक टोकन नंबर मिल जाए, और आपका अकाउंट नंबर स्पर्श के द्वारा जो है आपके चेक से वेरीफाई करके बदली कर दिया जाएगा। अकाउंट नंबर चाहे आईएफएससी आपने कुछ भी बदली किया है। अब देखिए इसके बाद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको मिस मत करना दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि आपने पूछा था कि क्या बदली करने से आपकी पेंशन रुक सकती है, देखिए मैं आपको एनालाइज करके बोल रहा हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उनके आधार पर ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, आप इसको सुने। स्पर्श की जो पेंशन होती है दोस्तों, आपको पता है कब क्रेडिट होती है, लास्ट डे ऑफ मंथ, महीने के अंतिम तारीख को होती है, ठीक है, ओके। दूसरा, 20 तारीख के बाद जो है इसका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन शुरू होता है, उसके बाद जो भी कार्रवाइयां होती हैं आपकी पेंशन स्लिप और सारी चीजें वहां पर अपडेट हो जाती हैं। तो 20 से जो लास्ट डेट तक का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो थोड़ा जो है सेंसिटिव है, यहां पर आपके स्पर्श अकाउंट पर कार्रवाइयां
चल रही होती हैं पेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपने जब भी अपना स्पर्स का जो अकाउंट नंबर है वो बदली करना है दोस्तों। ये दोस्तों ये चीजें कभी लिखी हुई नहीं है ना स्पर्स की तरफ से, कोई गाइडलाइन जारी हूं मैं, केवल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपना लेना, नहीं तो नहीं भी अपनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मेरे अपने ओपिनियन है वो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो 20 से 30 जो 31 तारीख तक जो है ये पेंशन की प्रक्रिया चलती है, तो मैं सलाह दूंगा कि अवॉइड करें कि इस दौरान आप अपना जो है अकाउंट नंबर चेंज ना करें स्पर्स में। इसलिए जो आपके लिए सूटेबल पीरियड होगा आपका जो ट्रांसफर करने का, वह रहेगा दोस्तों 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का, क्योंकि उस समय जो है आपके अकाउंट में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही होती, ठीक है। इस चीज को होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख से 20 तारीख के बीच अगर ये सारी कार्रवाई स्पर्स पे करेंगे तो इस दौरान आपका ऑटोमेटिकली जो है स्पर्स के अंदर अपडेट भी हो जाएगा, और जब आपकी पेंशन की गणना होगी तो उस समय जो है आपका नए जो अकाउंट नंबर है उसमें जो है वो पेंशन रिफ्लेक्ट करेंगे। और दूसरी बात, ये सारी दोस्तों है डिजिटली सिस्टम है, ये पूरा का पूरा डिजिटली सिस्टम है, तो पेंशन रुकने के इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों इस डेट का जरूर जो है ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पेंशन रुकने के किसी भी प्रकार के ऐसे चांस नहीं है, ओके। दूसरी जो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा था दोस्तों, कि जब आपकी पेंशन जो है नए वाले अकाउंट में आ जाती है, ठीक है, नए वाले अकाउंट में आ जाती है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, पेंशन स्लिप जो है आपने स्पर्स से डाउनलोड कर लेनी है, अपनी पासबुक भी आपने एंट्री करा लेनी है कि आपकी स्पर्स की पेंशन इसमें आना शुरू हो चुकी है, और एक एप्लीकेशन लिखनी है दोस्तों आपने, उसके बाद बैंक के लिए एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरा अकाउंट में जो है डिफेंस से पेंशन आती है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, डिफेंस से पेंशन आती है और इसमें मैं अपनी पेंशन स्लिप भी अटैच कर रहा हूं, और जो मेरा पेंशन अकाउंट है इसको कृपया करके डीएसपी, अगर एसबीआई में है तो डीएसपी पेंशन गोल्ड में इसको बदली कर दिया जाए, और यदि पीएनबी में आपका तो रक्षक में, रक्षक प्लस में बदली कर दिया जाए, या फिर अदर बैंक में जो भी आपके लिए जो है पेंशन की फैसिलिटीज है उसी के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन लिख करके वहां पर इस स्कीम में जरूर चेंज करवा लें, तभी जाके आपको इनका डीएसपी का या रक्षक अकाउंट का फायदा वहां पर मिल पाएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, कि क्या आपको इसके लिए जो है आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कहीं पर, या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो जिला सैनिक बोर्ड में, या फिर रिकॉर्ड के लिए कि आपने अकाउंट चेंज किया, तो ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है दोस्तों, कहीं कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपने डिजिटली और ऑनलाइन जो है स्पर्स में अपना जो पेंशन अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, वह अपडेट किया है, तो आपको रिकॉर्ड को बताने की जरूरत नहीं है, जिला सैनिक बोर्ड को बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप लाइक शेयर भी जरूर कर देंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।